देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 51 शक्तिपीठों में शुमार कड़ावासिनी माँ शीतला देवी का भारत प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है, जहां माता के दर्शन करने हर दिन यहां प्रदेश और देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में भक्त आते हैं। आपको बता दें कि यह प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में स्थित है। लगभग 10 वर्ष पहले इस मंदिर के शिखर को जिला पंचायत निधि द्वारा बनवाया गया था, लेकिन गुणवत्ता को दरकिनार कर बनाए गए इस शिखर में कई जगह दरारें आ गई है। स्थानीय लोगों की माने तो शिखर एक तरफ झुका भी लग रहा है। यहाँ आए दिन मेले लगते रहते हैं और हर वक्त मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ बनी रहती है। ऐसे में यहाँ कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले 4 सालों में इस गंभीर समस्या को लेकर पांडे समाज के पुरोहितों द्वारा उच्च अधिकारियों और नेताओं को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत भी कराया, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी या नेता ने इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर समय रहते जल्द ही इस समस्या को हल नहीं किया गया तो किसी दिन यहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। मैं अक्सर आता रहता हूँ, देवी का दर्शन करने हमेशा आता रहता हूँ। कहाँ के हैं आप? इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, रेलवे सर्विस करता हूँ, राम सिंह नाम है। शिखर को बने करीब 10 साल हो गए हैं, बनते है एक दो साल बाद जो है इसमें काफी दरारें आ चुकी है। जब मैं पिछले 4 साल से बराबर लिखित दे रहा हूँ शासन प्रशासन को, और इसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी भी मेला में या गिर सकता है, कभी भी बड़ी दुर्घटना का दावा दे सकता है, और नरवाता सर पे आ चुकी है। मैंने इसके लिए भी माननीय डीएम साहब को अभी वर्तमान में हमने दिया लिखित में, अभी महोदय की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।